क्यों पायलट बनना चाहते थे शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर। जाने माने एक्टर पंकज कपूर आज 29 मई को 64 साल के हो गए हैं। अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में करने वाले पंकज कपूर को हिंदी सिनेमा में उनकी बेहतरीन अदायगी के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। चाहे आज पंकज कपूर का नाम इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में गिना जाता है, लेकिन बचपन से वे पायलट बनने का सपना देखते थे। इसकी वजह भी खास थी। एक्टर के बर्थडे पर आइए जाने उनकी जिंदगी और करियर से जुड़ी कुछ खास बातें। अपने बचपन में पायलट बनने के सपने के बारे में पंकज कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं बच्चा था तो एक पायलट बनना चाहता था। मेरे चाचा भारतीय वायुसेना में पायलट थे। मैं उनसे बहुत प्रभावित था क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत महान था। वह अपनी वर्दी में बहुत आकर्षक दिखते थे। इसके अलावा मैं लुधियाना से हूँ और वायु सैनिक अड्डा हलवारा हमारे घर से बहुत नजदीक था, इसलिए जब भी कोई प्लेन मेरे घर के ऊपर से उड़ता था तो मैं अक्सर दौड़कर बाहर आ जाता और सोचता कि इसे जरूर मेरे चाचा ने उड़ाया होगा और मैं भी किसी दिन इसी तरह प्लेन उड़ाऊंगा। बचपन में कुछ कल्पनाएं थी जिनसे मुझे यह फिल्म बनाने में मदद मिली। ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि पंकज कपूर ने कई टीवी शोज में भी काम किया, जिनमें करमचंद, नीम का पेड़, लाइफलाइन और ऑफिस ऑफिस जैसे सीरियल शामिल है। टीवी में पांव जमाने के बाद ही उन्होंने फिल्मों का रुख किया। एक्टिंग को अपना पहला प्यार बताने वाले पंकज कपूर ने मकबूल, धर्म और ब्लू अम्ब्रेला जैसी शानदार फिल्मों में सशक्त अभिनय किया है। पंकज कपूर को 3 नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इनमें फिल्म राख और एक डॉक्टर की मौत शामिल है। उन्हें मकबूल फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए पंकज कपूर को नेशनल अवार्ड मिला। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट करने के बाद पंकज कपूर ने एक डायरेक्टर के तौर करीब 74 से ज्यादा नाटकों का निर्देशन किया। पंकज कपूर ने अपने करियर में बेटे शाहिद कपूर स्टार फिल्म मौसम को भी डायरेक्ट किया। इसके अलावा वे मोहनदास भी डायरेक्टर कर चुके हैं।